पिता और पुत्र दोनों एक मंच पर, दोनों एक मंच पर। अब आपने आवाज़ दी है तो मेरे कहना पड़ेगा, आवाज़ देके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त। मैं गया वक्त तो नहीं कि फिर आ भी ना सकूं, जहर मिलता ही नहीं सितम कर, वरना क्या कसम है कि आपसे मिलने की खा भी ना सकूं। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, और जिंदगी क्या है किताबों से बाहर आकर देखो। अमेरिका ने चांद पर रॉकेट पहुंचाए, अमेरिका ने चांद पर रॉकेट पहुंचाए, और भूमि पर वहां की मानव उतराए। विश्व ने अमेरिका की महानता को स्वीकारा, लेकिन मैं कहता हूं कि उसने कौन सा तीर मारा। अमेरिका ने चांद की भूमि को छुआ है। मैं समाचार को कोई महत्व नहीं देता हूं, क्यों? क्योंकि दिन में कम से कम 25 बार मैं अपनी चांद को छू लेता हूं। दीवानगी इश्क के बाद आ ही गया होश, दीवानगी इश्क के बाद आ ही गया होश, और होश भी वो होश जो मदहोश बना दे, और हम तो खून जिगर पी के चले जाएंगे ऐसा कि ले शीशाए दिल तोड़ दे पैमाना बना ले। दोस्तों, यूं तो यहाँ बहुत देर से सुन रहे थे कवियों को भी, सॉन्ग्स भी, कुछ अदर भी है, क्योंकि अगर किसी बुजुर्ग का कोई पिटारा उसके बाद में खोल के देखे तो उसमें बहुत सारी पुड़ियाँ होती हैं, तरह तरह की चीज़ें उसको मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जरा हटके, शायरी से अलग हटके, कि कभी आप बस स्टैंड पर गए हों, कभी आप रेलवे स्टेशन पर गए हों, बाजारों के चौराहों पर गए हों, तो वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है जिसको लोग मजमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमा। तो मजमे का एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश, कैसी आवाज़ होती है देखिए। सहबान मेहरबान कदरदान पिकदान थूकदान एक को छोड़कर बहनों भाइयों भौजाइयों, मथुरा के पेड़ों दिल्ली के हलवाइयों, फटेपुरा ने कभी टेरल इनकी टाइगो, मेरठ के धोबे मोदी नगर के नाई हो। आपने जिंदगी में बहुत से खेल तमाशा देखा होगा, आपने सुना होगा बंगाल की औरतें आदमी को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका देती हैं, लेकिन श्रीमान जी आदमी का भेड़ बकरा बना देती है। ऐसी कोई जादू नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती, ये सब होती है हाथ की सफाई, और हाथ की सफाई के दो चार नमूने आपके सामने पेश है। जिंदगी में जो होता आया है उसी का यह खुलासा है, और नसीहत के नसीहत तमाशे का तमाशा है। मेरा काम है बजरंगबली का नाम लेना, चलते हुए को थाम लेना, और सच्चे की सच्चाई को सच्चा ही जानता है, और झूठे की झूठाई को झूठा पहचानता है, और इस धरती की रगड़ को तला जानता है। श्रीमान जी, आदमी की दो चीजें बहुत कीमती होती हैं, कौन सी? एक आंख और दूसरी दांत। कहते हैं कि आंख गए तो जहान गए, और दांत गए तो स्वाद गया। तो इसीलिए तो कहता हूं, आप दांत गए तो स्वाद गया, क्योंकि दांतों का अगर हंसने का मजा तो दांतों से, खाने का मजा तो दांतों से, और श्रीमान जी अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो काट खाने का मजा तो दांतों से। इसीलिए तो कहता हूं, आप टंडन छाप मंजन इस्तेमाल करें, मंजन अंदर और बत्ती से बाहर। एक कह रहा था, रामू ने श्याम का हाथ तोड़ा और मंत्र पढ़ा जोड़ा। दूसरा कहने लगा, बहुत ऊंची फेंकी इसने। उन्होंने कहा, कल्लू ने लल्लू का हाथ तोड़ दिया और बिना मंत्र पढ़े जोड़ दिया। हमसे भी नहीं कहा गया, हमने कहा यहां तो सारे फेंकू हैं। हमने कहा, सामने स्टेशन पर रेलगाड़ियां आ रही थी जा रही थी, सामने स्टेशन पर रेलगाड़ियां आ रही थी जा रही थी, समस्या एक बहुत बड़ी थी कि गाड़ी के सामने एक भैंस अड़ी थी।
गार्ड साहब भैंस को बचाने दौड़े। गार्ड साहब भैंस को बचाने दौड़े, गार्ड साहब तो कटे कटे, भैंस तो कटी सो कटी, गार्ड साहब भी कट गए और देखने वालों को तो रंग ही उड़ गया। और गार्ड साहब का ऊपर का हिस्सा, भैंस का पीछे का हिस्सा आपस में जुड़ गया। आजकल गार्ड साहब एक कार्टून दिखाई देते हैं, दिन में झंडी फिराते हैं और शाम को 5 किलो दूध देते हैं। अब आपका लगभग विदाई का समय सबका हो ही रहा है, तो मैं एक कहूँगा, हुआ जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, हुआ जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, और कदम कदम पर सहारों ने साथ छोड़ दिया। इस महफिल में एक आप ही से क्या शिकवा, हजूर मेरा तो हजारों ने साथ छोड़ दिया।